तो दोस्तों, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ मेरी YouTube की जर्नी, 100 सब्सक्राइबर मैंने कैसे गेन किया और 100 सब्सक्राइबर के बाद आपको क्या अचीवमेंट मिलता है YouTube की तरफ से, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं ये बताने वाला हूँ कि मैंने 100 सब्सक्राइबर कैसे गेन किया। स्टार्टिंग में तो मेरे को बहुत ही मुश्किल लग रहा था कि 100 सब्सक्राइबर गेन करना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात तो 1K पहुँचना है और 1K तो मेरा अभी तक हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। 1K मेरा हुआ नहीं है, लेकिन 100 सब्सक्राइबर हो चुका है। 100 सब्सक्राइबर मेरे चैनल ने पार कर दिया और मैं आज आपको बताने वाला हूँ 100 सब्सक्राइबर मैंने कैसे गेन किया। फर्स्ट स्टार्टिंग में तो मैंने 20 सब्सक्राइबर ऐसी सबसे पकड़ पकड़ के करवा लिया था। उसके बाद क्या है, मेरे को फिर मुश्किल लगने लगा। फिर 20 सब्सक्राइबर, बाकी सब्सक्राइबर मैंने बहुत ही मुश्किल से गेन किए। 80 सब्सक्राइबर भी मैंने करीब आराम से कर लिया था, क्योंकि मैंने फिर उसके बाद अपना वीडियो क्वालिटी चेंज किया, कैमरा चेंज किया। मेरे पास मोबाइल भी बढ़िया सा नहीं था, मेरे पास मोबाइल भी बहुत बेकार था। मैं अपने पापा के मोबाइल से बनाता था स्टार्टिंग में वीडियो, फिर पापा को दिक्कत होती कि क्योंकि मैं उनका मोबाइल लेता था। तो फिर हमने सोचा क्यों ना क्वालिटी बढ़ाने के लिए कुछ इन्वेस्ट किया जाए। उसके लिए हमने खरीदा एक फ़ोन, रेडमी नोट 10 प्रो। गाइस, तो ये फ़ोन मैंने खरीदा और इसका भी मैंने व्लॉग शूट किया, जो कि आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना, चैनल पे उसका व्लॉग है। और उसके बाद फिर मैं वीडियो स्टार्ट कर दिया और मैं डालना शुरू कर दिया। मैं अपना डेली व्लॉग बनाता था और डेली व्लॉग, फिर मैंने सोचा था कि मैं अपना डेली व्लॉग का टारगेट रखता हूँ। मैंने डेली व्लॉग का टारगेट रखा और 360 डे कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन यार 360 डे मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। बीच में करीब इतनी प्रॉब्लम आ गई मेरे को, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं डेली व्लॉग नहीं कर पाया। और बीच में ही मेरा डेली व्लॉग का सिस्टम, रूटीन सब ख़त्म हो गया और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। इस वजह से मैं डेली व्लॉग भी कंप्लीट नहीं कर पाया, मेरी बीच में ही छूट गई। फिर मैंने सोचा यार छूट गया जो बीत गया उसको बीतने देते हैं, मैं अपना डेली और रेगुलर व्लॉग करते रहता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रेगुलर व्लॉग करता हूँ। तो गाइस, क्या है कि फिर उसके बाद मैंने करीब 100 सब्सक्राइबर गेन किए। और तो गाइस, यहाँ पे ये बच्चे लोग खेल रहे थे और इन्होंने बोला कि आपको व्लॉग में आना है। तो आपका नाम क्या है बता दो? चित्रांश नाम है। और एक जन और, उसका नाम अद्वितीय भाई है आपका? हाँ, दोस्त। तो इनका दोस्त है, आ जाओ, आप भी आ जाओ, शर्मा रहे थोड़े। नाम बताओ आप अपना। अद्विती यादव। क्या बताओ, आप ही बोलो। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, पर हाँ जो भी आप इनका नाम है। तो आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को, HDMI ब्लॉग, लाइक कर दो वीडियो को पसंद आ रहा तो। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ बीच में लोग आए और फिर मैंने उनको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ब्लॉग में लिया। उन्होंने बोला कि हाँ आपके ब्लॉग में आना है, तो मैंने सोचा ठीक है ले लेता हूँ। और एक अच्छा ब्लॉगर की यही खासियत होती है कि वो किसी के सामने भी बिल्कुल शर्माता नहीं है और आराम से अपनी बातों को समझा सकता है। तो ये बात आनी चाहिए और यही आप भी करिए, और इसके बाद आप भी आराम से सबके सामने बोल पाओगे और बिल्कुल शर्माना नहीं है। शर्माने की कोई बात नहीं है, आप बस अपना काम कर रहे हो और काम के लिए क्या शर्मा। बहुत ही अच्छा लगा ऐसे मिलके भी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि हाँ यार ब्लॉगर अलग से अच्छा लगता है। तो मेरे को दोस्त मिलना भी पसंद है लोगों से। तो गाइस, अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या था हमारा, मैंने 100 सब्सक्राइबर गेन कर लिया और बीच में मेरा जो डेली व्लॉग का रूटीन था वो छूट गया। डेली व्लॉग का रूटीन छूट गया, मैं भूल गया उसको। कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना डेली व्लॉग करते रहता हूँ और अब मेरा डेली व्लॉग वापस रूटीन चालू कर दिया हूँ। लेकिन अब क्या है, बीच में छूट गया है तो फिर कभी कभी मैं ब्लॉग अगर लेट आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेली ब्लॉग तो मेरा वैसे ही छूट गया है। और उसके बाद 100 सब्सक्राइबर गेन करने के बाद मेरे को एक अचीवमेंट मिली यूट्यूब की तरफ से, जो कि आपको भी मिल सकती है अगर आप 100 सब्सक्राइबर गेन करते हो, जो कि है कस्टम URL। कस्टम URL एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिससे कि आप अपने चैनल को आराम से लिंक के द्वारा खोल सकते हो और किसी को भी अगर आप सेंड करते हो तो वो भी आपके चैनल को आराम से विजिट कर सकता है। और आप अगर उसको बोलते हो कि सब्सक्राइब कर देना, तो आप बस उसको नॉर्मली ये लिंक भेज दो, व्हाट्सअप किसी में भी चले जाता है सेंड थ्रू ऑप्शन से, और उसके बाद आपके वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो गाइज, क्या है कि इसके बाद हमने कस्टम URL बनाया, और कस्टम URL जैसे कि मैंने बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इंपॉर्टेंट बात है यूट्यूब के बारे में, मैं वो भी बता देता हूँ आपको कि यूट्यूब में ज्यादातर क्या होता है, आपका इंप्रेशन देखा जाता है जो कि क्वालिटी भी मायने रखती है। लोगों, जनता को देखने में मजा आना चाहिए, वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी। तो सबसे बड़ी बात कि जैसे कि मैंने बोला मैंने इन्वेस्टमेंट किया फर्स्ट टाइम, तो मेरा इन्वेस्टमेंट मेरे को अच्छा लगा। ये इन्वेस्टमेंट कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली भी फोन ले सकता है। तो मैंने ले लिया एक फोन, वैसे तो मेरे को 10th के बाद मिलने था, पर फिर मैंने ले ही लिया।
अब हम लोग चलते हैं सीधा फोन के स्क्रीन पे, जहां पे हम मैं आपको दिखाने वाला हूँ कस्टम यूआरएल कैसे मिलता है और आपको कैसे मिलेगा। तो चलिए चलते हैं सीधा फोन के स्क्रीन पे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे और हमें जाना है गूगल पे और उसके बाद यहाँ पे सर्च मारना है यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो डेस्कटॉप, जिससे कि आप पहुंच जाओगे यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो के डेस्कटॉप मोड पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गूगल बना होगा और सिंग इन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपका यूट्यूब स्टूडियो खुल जाएगा जो कि खुलेगा डेस्कटॉप मोड पे। तो डेस्कटॉप मोड पे ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं हमें यूट्यूब से। जो आप फुलझड़ी का ऑप्शन देख रहे हैं वो है कस्टमाइजेशन का ऑप्शन, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसके बाद हमारा कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे हमें जाना है बेसिक इन्फो में, तो फिर उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप देख सक रहे हैं दो यूआरएल, एक है चैनल यूआरएल और एक है कस्टम यूआरएल। ये नीचे वाला यूआरएल मैंने खुद से बनाया है। जब आपका 100 चैनल 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तब यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि यहाँ पे आपको अपना कस्टम यूआरएल बनाना है। तो आप इस तरह से अपना कस्टम यूआरएल बना सकते हैं। तो गाइस जैसे कि आपने देखा यहाँ पे मेरे दोनों यूआरएल है, जो चैनल यूट्यूब से मुझे मिला है और जो मैंने बनाया है। जैसे कि आपने देखा मैंने आपको दिखाया है कस्टम यूआरएल कैसे मिलता है, मैंने आपको भी ऑप्शन आ जाएगा जब आपके 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और कस्टम यूआरएल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है, ऐसी बहुत सारी अचीवमेंट मिलती है जब आपके सब्सक्राइबर गेन्स होते जाते हैं, तो वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी जो मेरा 100 सब्सक्राइबर का था वो तो मैंने आपको दिखा दिया। तो गाइस ये चीज़ सेफ्टी बताती है कि कस्टम यूआरएल आपका सेफ कर देता है चैनल। कस्टम यूआरएल से क्या है, आपके चैनल का सेफ्टी बन जाता है। आपको अपने चैनल का कस्टम यूआरएल पता होगा तो आपको बहुत ही सेफ महसूस होगा। आप अगर कभी चैनल हैक भी होता है तो कस्टम यूआरएल से आपका चैनल छूट सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो किसी को नहीं पता होगा तो मैं बता दूँ, कस्टम यूआरएल से आपका चैनल हैक होता है तब भले आपके चैनल के लिए कस्टम यूआरएल काम आ जाते हैं। और ये तो लिंक में भी ट्रांसफर करने पे, लिंक खोलने के लिए भी काम आता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, टाटा बाय बाय, सी यू एंड गुड नाइट।